हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर माइनक्राफ्ट एपिसोड। और आज इस एपिसोड में हम लोग करने वाले हैं फार्मिंग। पिछले एपिसोड में तो हमने एक विलेज ढूंढा था, घर बनाया था और शेरों को ढूंढा था, लेकिन इस एपिसोड में हम लोग वीट फार्म और एक एनिमल फार्म बनाने वाले हैं। हाँ, और ये सब बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगने वाली है, तो चलो बू मसाल और कजामा हम लोग फार्म्स को बनाना शुरू करते हैं। लेट्स गो। ये क्या, ये आते ही हमारे घर में घुस गया और अभी तो रात भी होने वाली है। हाँ देखो, सनसेट हो रहा है, शेरो को अंदर कर दो। शेरो अंदर चलो, बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आएंगे। शेरो को अंदर कर दिया है। और ये देखो, ये कैसे सो रहा है? ओए उठ मारे बेड से। ए तू सोतड़ू कहीं के, उठाओ इसको, चलो हम लोग सोते हैं। ओए ये हमेशा अपने बेड पे ही आके क्यों सोता है? जो भी हो, एक और अच्छी नई ब्यूटीफुल सुबह हो चुकी है और अब हमें अपना काम भी शुरू करना है। मुझे लगता है उस विलेजर्स को हमारा घर पसंद आ चुका है। हाँ ऐसा हो सकता है, इसलिए तो हमेशा के अपने ही घर में सोता है। हाँ उसको शायद उसकी बीवी ने उसके घर से निकाल दिया। क्या पता, वैसे भी ये नल्ला विलेजर है, ना तो कुछ कमाता है, इसको शायद नौकरी वगैरह देनी पड़ेगी। हाँ मसाब वो हम बाद में देंगे, अभी फार्म का काम शुरू करते हैं। ओए देखो, हम लोग यहाँ पे अपना फार्म बनाएंगे, वीट फार्म, सो जल्दी से यहाँ की साफ सफाई कर देते हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पे काफी सारी डर्ट तो तोड़ दी है एंड यहाँ पे हमारी जगह बन चुकी है फार्म के लिए। नाइस कजामा, अब आगे क्या करना है? आगे अभी यहाँ पे फार्म के लिए हमें थोड़ी सी खुदाई करनी पड़ेगी, क्योंकि एक एक लाइन में पानी डलेगा और दूसरी लाइन में हम लोग अपनी फसल उगाएंगे। बट फसल उगाने के लिए हमें होए चाहिए होगी। चलो फिर होए को हम लोग ले लेते हैं। और अभी ये हमने ले लिया, मसाल एक शेवल भी बना लिया मैंने। क्यों शिनचैन? क्योंकि मसाल हमारा शेवल टूटने वाला है। अरे नाइस शिनचैन, तू भी जब दिमाग यूज करने लग गया है। पिछले एपिसोड में तो शिनचैन हमें बस परेशान ही कर रहा था। हाँ मुझे लगता है अब शिनचैन हमारी अच्छी मदद करेगा। इसको स्वॉर्ड से तोड़ना था कजामा। अबे पत्थर स्वॉर्ड से नहीं टूटता, ये पिकैक से टूटता है। ठीक है कजामा, तुम्हें स्वॉर्ड से तुम्हारा सिर तोड़ दूंगा। ओए तू मेरा सर क्यों तोड़ेगा? स्वॉर्ड से कुछ तो तोड़ना ही है ना कजामा। ये नहीं सुधरेगा, ये तो अभी तक वैसा ही है। ए छोड़ो इसको, देखो शेवल टूट गया, शिनचैन का बनाया शेवल अभी हमारे काम आएगा। चलो चलो जल्दी से इसको अभी खोदना शुरू करो, हमें पूरी यहाँ पे एक लाइन बनानी है और फसल की जो शेप है ना वो एकदम बढ़िया रखेंगे। हाँ तभी तो हमारी फसल बढ़िया लगेगी ना। चलो दोस्तों, अभी यहाँ पे हमें डबल लेयर को रखना है और एक यहाँ पे लेयर हम पानी के लिए बनाएंगे। चलो तो यहाँ से शुरू करते हैं। वैसे कजामा हमें ये फार्म बनाने में ऑलमोस्ट कितना टाइम लगेगा? मसाओ ये तो मैं भी नहीं कह सकता, लेकिन हाँ हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग इसको जल्दी जल्दी बना पाए। कजामा आगे का काम मैं करूँ क्या? हाँ शिनचैन इसमें पानी डालो। ठीक है कजामा, मैं पूरे के यहाँ पे पानी पानी कर दूंगा। पानी पानी कर दो शिनचैन। हाँ यहाँ पे मैं पानी पानी कर दूंगा और उसके बाद कजामा भी पानी पानी हो जाएगी। ए क्या बोल रहा है तू? मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ कजामा। अच्छा ठीक है, यहाँ पे अभी ये मस्ती बंद कर और जल्दी से इसको पानी से फुलफिल कर दे। हाँ कजामा मैंने ऑलमोस्ट कर ही दिया है। अरे वाह, मैंने ऑलमोस्ट बोला, इंग्लिश का वर्ड क्या बात है। ए शिनचैन ये तो बहुत आसान है बोलना। मसाओ लेकिन मैंने बोला, तुम नहीं बोल पाओगे। ए शिनचैन रुको बोल के दिखाता हूँ। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। वाह मसाओ ने भी बोला, नाइस मसाओ। अरे शिनचैन तुमने तो बड़ी जल्दी कर दिया यार ये पानी वाला काम। हाँ कजामा मैंने पूरे खेत को पानी पानी कर दिया। खेत तो अभी यहाँ पे बना ही नहीं है, लेकिन चलो बनाते हैं। सो ये होए का काम मैं करूँगा, इसको ये उठाया और अभी यहाँ पे जमीन बनाना शुरू करता हूँ वीट उगाने के लिए। अरे लेकिन हमारे पास सीड्स है ना? हाँ कजामा मैंने पहले से काफी सीड इकट्ठा करके रखा है। मसाओ पूरे खेत की जमीन पे लग जाएगा ना सीड? हाँ कजामा उतना तो होगा ही शायद, बाकी मेरे को भी नहीं पता। हे हमारे पास बहुत ही कम सीड है, इससे तो आधी फसल भी नहीं उगेगी। अरे मसाओ तू तो बोल रहा था बहुत सारा है। कजामा मैंने कौन सा गिना था, मैं तो तुक्का लगा रहा था। मसाओ तुम्हें गिनना चाहिए था, तुम्हें गिनती नहीं आती ये मुझे पता है। शिनचैन मुझे गिनती आती है लेकिन मैंने गिना नहीं था।
ओए कोई बात नहीं, सीड हमें यहाँ से मिल जाएंगे। ये घास फूस को कट करो, इससे हमें काफी सीड मिल जाएगा। हाँ भोजन का आइडिया तो बढ़िया है, तो पूरी रात अभी ये घास फूस कट करते रहेंगे क्या? हाँ किसान में करना तो पड़ेगा ही, इसलिए तो हमें फिर सीड मिलेगा, उससे हम लोग वीट उगाएंगे। 4 to 6 days later। हाँ अभी काफी देर हो चुकी है और हमने काफी सारा सीड इकट्ठा कर भी लिया है। हम तो सुबह से कर रहे हैं, रात हो चुकी है। दोस्त एक मकड़ी हमारे ऊपर अटैक कर रही है, उसको रोकने की कोशिश करो। कोशिश क्यों, मसाओ इसको पूरा मारेंगे। मैं मरता हूँ, ये लो मैंने मकड़ी को मार दिया। क्या बात है, मसाओ किसने नहीं पकड़ा? खींचन मुझे क्यों पकड़ेगी वो, क्योंकि मसाओ मकड़ियों को ही तुम्हारी जैसे टेस्टी खाना पसंद आता है। ए खींचन, मैं कोई खाने वाली चीज नहीं हूँ। अरे हम सो नहीं पा रहे, हमारे घर के आसपास कोई ज़ॉम्बी वगैरह होगा। देखो दोस्तों आसपास ढूंढो। रुको मैं ढूंढता हूँ। मम्मे यहाँ पे तो क्रीपर है। अरे भाई भाई क्रीपर से थोड़ा दूर, अगर ये हमारे घर के पास फूटा तो घर ही फोड़ देगा। अरे यार लो क्रीपर ने ये फोड़ दिया, अब हमें इसको फिर से ठीक करना पड़ेगा। सुबह करके ठीक करेंगे, अभी जाके सो जाते हैं। चलो चलो सो जा, इसको उठाओ पहले, मोटा कई का हर बार हमारी जगह पे आके सो जाता है। और एक अर्ली सुबह लेट्स गो, कितनी सुंदर सुबह है। सुंदर सुबह तो है लेकिन हमारा यहाँ पे काम सुंदर नहीं है। चल चल इसको भी ठीक करो अभी जल्दी से। चलो मैं करता हूँ इसको ठीक, यहाँ पे मैं पूरी पूरी डेट लगा दूंगा और इसको पहले जैसा कर दूंगा। और बस ये हो ही गया, यहाँ पे थोड़ी सी डेट, यहाँ पे और बस थोड़ा सा इसको तोड़ो और हो गया। चलो दोस्त मैंने इसको ठीक कर दिया पहले जैसा। बहुत अच्छे मसाओ, बहुत बढ़िया काम किया। अभी चलो हम लोग उधर सीड्स लगाते हैं जाके। सीड्स यहाँ पे लगाना है, चल बोचन शुरू कर दे सीड लगाना। हाँ जल्दी जल्दी करता हूँ, फास्ट फास्ट फास्ट। सीड लगाओ सीड लगाओ सीड लगाओ सीड लगाओ। ओए हमारे पास तो सीड्स खत्म हो गए खजाना। अरे यार शिंचन, हाँ चलो कोई बात नहीं, अब हम लोग एनिमल फार्म बनाना शुरू करते हैं, सीड्स हम लोग बाद में इकट्ठा करेंगे। वरना तेरे को डर नहीं लगता? इससे ले लेता थोड़ी सी वीट। देख भाई विलेजर, हम तेरे को बाकी सारा सामान वापस कर देंगे, बस एक वीट का पीस चाहिए ठीक है, एनिमल्स को लालच देने के लिए। चलो ये फार्मर विलेज का फार्म थोड़ा सा तो काम आ ही गया। ओए चलो अभी एनिमल फार्म बनाने के लिए हमें यहाँ पे काम शुरू करना है। एक वीट का पीस है, इससे हम लोग एनिमल्स को लालच देके हमारे फार्म में लेके आएंगे और यहाँ पे उन्हें पकड़ लेंगे और उसके बाद हम लोग उनकी क्वांटिटी यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे। हाँ मसाओ बिल्कुल सही आइडिया। चलो अभी यहाँ से जल्दी से जगह बनानी शुरू करते हैं हमारे फार्म के लिए। तो कितना बड़ा हो सकता है हमारा एनिमल फार्म? मुझे लगता है जितना बड़ा हमारा वीट फार्म है उतना ही हमें एनिमल फार्म बनाना चाहिए। हाँ शिंचन ये आइडिया भी बिल्कुल सही है, चलो वीट फार्म के जितना बड़ा ही एनिमल फार्म बनाएंगे। एक दोनों का साइज एक सेम रहेगा ना तो बढ़िया दिखेगा। हाँ नाइस, चलो इसको जल्दी से अभी तोड़ना शुरू करो। हाँ दोस्तों लेकिन इतनी डर्ट को तोड़ने में काफी टाइम लगेगा। 2000 years later। चलो फाइनली ये डर्ट टूटने वाली है। यहाँ की सफाई हो गई और जगह भी बढ़िया बन गई। अब बारी है फेंस लगाने की। नहीं मसाओ देखो यहाँ पे थोड़ी ये जगह एक जैसी नहीं है, ये मैंने एक जैसी कर दी। अब हम ऐसा करते हैं थोड़े से पेड़ काट के लाते हैं, फिर ही फेंस बना पाएंगे। अच्छा ठीक है भोजन, यहाँ पे सारे के सारे पेड़ काट लो। हाँ रुको काट रहा हूँ धीरे धीरे। रुको मैं फर्स्ट फर्स्ट काटता हूँ, मुझे दो। अच्छा ठीक है, शिंचन काफी तेज काम कर लेता है। चल शिंचन पेड़ों को काटना शुरू कर दे। तजामा हमारी एक्स टूटने वाली है मसाओ की एक्स की तरह। शिंचन क्या मतलब तुम्हारा? कुछ नहीं मसाओ। ए शिंचन तुम बड़े हरामी बन रहे हो, तुम मुझे जानते नहीं हो लेकिन मुझे सब समझ आता है। मसाओ ठीक है, हमारी एक्स टूट गई तुम्हारी एक्स की तरह। ए क्या मतलब तुम्हारा? कुछ नहीं मसाओ। ओए ये क्या है? ये तो ट्रेडर है, ये हमें दे क्या रहा है? छी इतनी ज्यादा बेकार चीजें। गजब बेइज्जती है। इसकी हिम्मत कैसे हुई हमें इतनी बेकार चीजें देने की? हाँ इसका तो गेम बजाना पड़ेगा, तेरी भैंस की जेल है। ये दोस्त वो हमारे ऊपर थूक फेंक रहे हैं। मसाव तो तुम भी उनके ऊपर थूक फेंक दो, तुम्हारा थूक जहर से कम है के। ए बोचन तुम अपनी नाक फेंक दो, तुम्हारी नाक जहर से कम है के। और मसाव ने बोचन को रोस्ट कर दिया। और मैंने इसको टोस्ट कर दिया, क्या बात है। हाय हाय चलो चलो ऊपर चलते हैं, हमारे पास काफी लकड़ी तो हो ही चुकी है।
और हमें इससे दो लीड भी मिल गए, इससे हम लोग एनिमल्स को बांध के रख सकते हैं। हाँ, इसी शीप को हम लोग बांध के रखेंगे, तब से ये यहीं पे है। मुझे लगता है इसको बड़ी जल्दी है हमारे फार्म में आने की। मैंने प्लैंक्स बना लिए, अब इसके बाद क्या बनाना है? इसके बाद स्टिक्स बनानी है शिनचैन। चलो मैं स्टिक्स बना देता हूँ। ये मैंने स्टिक्स बना दी, अब थोड़े से प्लैंक्स हमें और चाहिए। मैं बना देता हूँ, बन गए। अब हमें फेंस बनाना है, चलो फेंस को मैं बनाऊंगा। और इसके बाद गेट बनाना है, और ये बस गेट दो ही चाहिए हमें, और ये गेट बन गए। चलो दोस्तों, हमारा काम पूरा हुआ। रात भी होने वाली है। होने वाली नहीं, ऑलमोस्ट हो ही चुकी है। हाँ चलो, इसको यहाँ पे बांध दो ताकि ये यहाँ से भाग ना पाए। ये भोजन मैंने इसको बांध दिया। ओके मसाओ, अब यहाँ पे मैं फेंस लगाना है। पहले तो ये साइड के ये डर्ट को हटा दो। हटा दिया भोजन? देखो मैंने सारी डर्ट हटा दी, अब फेंस लगाना शुरू करो। मैं लगाऊं क्या ज़्यादा फेंस? अच्छा ठीक है शिनचैन, तू लगा दे। मैं लगाना शुरू कर दिया। फेंस लगाओ, यहाँ पे सारी फेंस कर दूंगा। लेकिन खजाना इसको फैंस क्यों कहते हैं? मुझे क्या पता, मुझे लगता है ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन में गया होगा, इसलिए इसको फैंस कहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जाने पे फैंस तोड़ना बन जाएगा। ए शिनचैन देखो, हर चीज का अपना अपना एक नाम होता है, इसलिए इसको फैंस कहते हैं। मसाओ, तो तुम्हें मसाओ क्यों कहते हैं? शिनचैन क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने मेरा नाम मसाओ रखा है। मसाओ, तो तुम्हें टकला क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम लोगों ने मेरा नाम टकला रखा है। मसाओ, तो तुम्हें राइस बॉल क्यों कहते हैं? क्योंकि मुझे राइस बॉल पसंद है और मैं राइस बॉल जैसे दिखता हूँ। मसाओ ने मान लिया दोस्तों कि राइस बॉल जैसे दिखता है। ए नहीं नहीं, मैं नहीं मानता, शिनचैन तो बहुत बुरे हो। ए शिनचैन, उसको परेशान करना बंद कर यार। चलो दोस्तों जल्दी सो जाओ, अभी रात हो चुकी है, हमने वहाँ पे शीप को बांध के रखा है। हाँ वो फार्म में चली गई, और यहाँ पे एक और नई सुंदर सुंदर सुबह हो चुकी है। ओए, अब आगे हमें क्या करना है? मसाओ अभी देखो, यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट तो फार्म रेडी है, लेकिन यहाँ पे थोड़े फेंस लगाने बाकी हैं और गेट भी। सो यहाँ पे हम लोग गेट लगाएंगे। ये हाँ तोड़ दिया, अब हमें यहाँ पे गेट लगाना है एकदम बढ़िया से। चलो गेट को लगा दो। अब हमें यहाँ पे तीन फेंस लगाने हैं, जल्दी से फेंस निकाल शिनचैन। तू निकाल लिया खजामा? हाँ अभी यहाँ पे लगा दे। ठीक है खजामा, मैंने लगा दिया। अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन शायद हमें एनिमल्स के लिए एक पूल भी बनाना चाहिए। हाँ मसाओ, तुम्हारा आइडिया अच्छा है, उनके लिए एक पानी का छोटा सा पूल बना सकते हैं हम लोग। ठीक है भोजन, अगर तुम लोग को लगता है तो हम जरूर बनाएंगे। हाँ, इनको भी तो पानी की जरूरत होती है, जैसे खजामा पानी पीता रहता है पूरा दिन। तुझे किसने बोला कि मैं पूरा दिन पानी पीता हूँ? खजामा तुम पीते हो, मुझे पता है तुम बहुत ही ज्यादा हरामी हो। ए शिनचैन, तू अब मुझसे मार खाएगा ठीक है? मुझे परेशान मत कर, अब मैं यहाँ पे पूल बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। चलो खजामा, शवल टूट गया, लो अब हाथ से तोड़ो। अरे मेरे 2.5 किलो के हाथ हैं, 2.5 किलो के हाथ से मैं ये पूरा तोड़ दूंगा। चलो यहाँ पे पूल के लिए जगह बन गई, ये थोड़ा सा सही नहीं लग रहा। ओके अब सही लग रहा है। एक खजामा भी यहाँ पे पानी डालना शुरू करो। रुको रुको मसाओ, मैं डालता हूँ पानी। यहाँ से लो पानी, अभी अभी जल्दी जल्दी डाल दूंगा। ये मैंने डाला पानी, उसके बाद थोड़ा सा पानी यहाँ से लेके इधर डाल दूंगा। ये तो बन गया, कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ पे एनिमल्स को लेके आना है। देखो पूल बन गया, पानी का यहाँ पे हो गया, फेंस लगा दिए, गेट लगा दिए, अब सिर्फ एनिमल्स की कमी है। सो इनको लालच देंगे, आओ आओ वीट हमारे पास है, वीट को खाओ खाओ। अभी मजा आएगा ना, खाओ आओ आओ वीट को खाओ आओ। अरे आगे आगे, थोड़ा सा पीछे जाओ जाओ, थोड़ा सा अंदर आओ आओ। वीट हम तुम्हें नहीं खिलाएंगे, तो यहाँ पे अभी अपनी जिंदगी गुजारो गुजारो। अरे वाह बोलचे, तुम तो कितने सारे शीप को लेके आ गए। मैंने इसको भी खोल दिया खजाना, बेचारा अकेला ही बंधा हुआ था। हाँ शिनचैन नाइस, तुझे एनिमल्स की बहुत फिक्र है, इसलिए तो मैं कभी एनिमल्स को मारता नहीं हूँ। चलो थोड़ा सा चिकन खा लेते हैं। वाह चलो इसको छोड़ो, थोड़ी सी और यहाँ पे गायें हैं, आओ आओ मेरे पीछे आओ। ठीक है समरिया, वीट मेरे पास है, इसको आके खाओ, आओ आओ तुम्हारे नए घर में आओ, यहाँ पे अपनी जिंदगी गुजारनी है तुमको। ए बोचे तुम तो बड़े ही एक्सपर्ट हो एनिमल्स को लाने में। हाँ मसाओ, मैं उनको अच्छा लालच देके यहाँ पे फंसा देता हूँ।
किसको लेके आना है? अभी कुछ किसी को नहीं लेके आना, बाकी एनिमल्स को बाद में लेके आएंगे। हमारे पास देखो यहाँ पे खेतों में सीड्स और लगाने चाहिए, तो अभी हम थोड़े से सीड्स और इकट्ठे करते हैं। ठीक है खजाना, चलो सीड्स को इकट्ठा करना शुरू करते हैं, यहाँ पे हमें बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है सीड्स को इकट्ठा करो, तोड़ो ये घास फूस को, इससे हमें बहुत सारे सीड्स मिलेंगे। मेरे हिसाब से हमें टोटली एक्स्ट्रा सीड्स ले लेने चाहिए। मसाओ हाँ, हम टोटली एक स्टैक सीड्स लेंगे और बस ये होने ही वाले हैं। काफी टाइम से हम लोग सीड्स तोड़ रहे हैं और ये एक स्टैक हो गए। चलो सीड्स का तो काम हो गया, अब ये थोड़े मुर्गों को भी हम लोग अपने घर में ले चलते हैं। चलो मुर्गो आ जाओ जल्दी से, अब मैं इनके पे जादू करूंगा। आओ आओ मेरा पीछे आओ। खजामा तुम मत बोलो। क्यों शिनचैन, वो उड़ जाएंगे। हाँ खजामा तुमसे ना हो पाएगा। अबे देख उसको मैं लेके आया हूँ। चलो ये मुर्गे तो सीड से ही आ गए, ये वीट नहीं खाते क्या? रुको इनको मैं सीड खिला देता हूँ। ये क्या कर रहे हैं, ओ इन्होंने अंडा दे दिया और अंडे से इनका फंडा भी निकल गया। स्वागत तो करो हमारा। ये देखो इनका फंडा कितना छोटा है। हाँ ये तो इनका छोटा सा चिक्कू है। चलो चलो चिक्कू को भी हम लोग सीड खिला देते हैं। ये ले चिक्कू, सीड खा ले और तो बड़ा हो जाएगा। वाह इन्होंने तो देखो आते ही गुलु गुलु करना शुरू कर दिया। ए बोचैन बड़ी हैरानी है तुम। मसाओ ए बोचैन, शर्माओ मत। मसाओ अबे चुप करो दोनों। ठीक है सॉरी। हाँ यहाँ पे देखो मैंने सीड्स लगा दिए और हमारी यहाँ पे फार्म में सारी तरफ सीड लग चुके हैं, सो हमारा ये वाला फार्म भी पूरा हो चुका है। किसान एक चीज की कमी है। क्या शिनचैन? अभी पहले सो जाओ उसके बाद बताता हूँ। अरे यार अभी मॉन्स्टर फिर यहाँ पे आसपास है, कहाँ है? ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी क्रीपर कहाँ है भाई? कोई भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे तो कोई नहीं है, चलो घर के अंदर दोबारा देखते हैं। वो देखो ये तेरी भैंस की ये ले, देखो हमारे घर के अंदर एक बहुत ही मकड़ी। अरे हाँ हमारे घर के अंदर में टॉर्च लगा देनी चाहिए, वरना अंधेरे में ये ज़ॉम्बीज हमारे घर के अंदर भी घुस सकते हैं। चलो अब सो जाओ। ओए होए एक और नई सुबह। चलो चलो शिनचैन अब मुझे बता क्या काम बाकी था। खजामा वो देखो सामने एक विलेजर है और ये विलेजर तो ज़ॉम्बी बन गया। ये तो लाइब्रेरियन था, बेचारे को ज़ॉम्बी ने काट लिया होगा इसलिए ये ज़ॉम्बी बन गया। खजामा भी हमें पिगी को लेके आना है हमारे फार्म में। अरे हाँ पिगी को तो हम भूल ही गए, पिगी तो हमारे फार्म की शान है, आन बान शान है। ये देखो यहाँ पे पिगी है, ये ले पिगी वीट खा। मसाओ वो वीट नहीं खाते। हाँ जी इनको सीड्स खिलाते हैं, ये लो पिगी सीड खाओ। शिनचैन ये सीड भी नहीं खाते। तो ये क्या खाते हैं? मुझे भी नहीं पता, कमेंट्स में बताओ गाइस ये पिगीज क्या खाते हैं। अरे कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे मैंने इसको लीड से पकड़ लिया है, हम इसको लीड से ही खींच के ले जाएंगे। ये आइडिया तो अच्छा है, चलो चलो इनको फार्म में लेके आओ। हाँ लेकिन दोस्तों आप कमेंट्स में बताना कि ये खाते क्या है, ठीक है? क्योंकि हमें तो नहीं पता यार कि ये क्या खाते हैं, आप लोग एक बार कमेंट्स में जरूर बताना। लेट्स गो, हमें यहाँ पे सारे एनिमल्स को ले आए और हमारा वीट फार्म भी बन गया। अभी घर चलते हैं और हमारे पास जितना भी एक्स्ट्रा सामान है ना वो हम लोग चेस्ट में रख देते हैं। हाँ खजामा चलो चलो, देखो ये हमारे फार्म कितनी बढ़िया लग रही है। हाँ मसाओ हमने आज बहुत ज्यादा मेहनत की है, चलो ये रही चेस्ट, इसमें फालतू का सामान रख दो। वैसे इन फार्म का हमें काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। हाँ इन फार्म से हमें बहुत सारा खाना मिलेगा और गाय हमें दूध भी देगी। ओके गाइस आज के इस एपिसोड में हमने बनाया एक वीट फार्म और एक एनिमल फार्म। अगर आपको हमारी ये फार्म अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और अगले एपिसोड में हमें क्या करना चाहिए कमेंट्स में बताओ। बाय बाय।